हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। मैं रेखा। सही नहीं लगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। मैं रेखा, और बस आज के लिए इतना ही। नहीं, और भी कुछ है लेकिन हाय हेलो करने के लिए बस। जीरा, इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हम काट के रख लिए थे। सबको हम अच्छे से चला लेंगे। प्याज को अच्छे से हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के लिए छोड़ दिए हैं। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसको खोलेंगे। अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी काली कुटी हुई काली मिर्च। इसमें हम डाल देंगे जो मलाई पीस के हम रखे थे, सॉरी। दाल को धो के भी अच्छे से हम सब डाल देंगे। सबको बढ़िया से चला देंगे। राई डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे करीब आधा कप दूध। दूध को भी डाल के हम अच्छे से बढ़िया से एकदम मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आए। आप इस सब्जी को एक बार से ज़रूर से बना के देखें, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये सब्जी। जबकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पड़ा है जैसे कि आलू, बैंगन, परवल, गोभी, कुछ भी मत डालिए। सिर्फ सिंपल सा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची और बस वही दूध, थोड़ा मलाई और इसमें पड़ सकता है। दूध मिला के भी हम एकदम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, करीब एक चम्मच बस देसी घी। क्यों, देसी घी डालने से क्या होता है, सब्जी का एक अच्छा रिच फ्लेवर आता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और इसे आप गरम गरम रोटी, पराठे और पूड़ी के साथ
खा के देखें, गरम गरम चावल के साथ भी खा के देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और देसी घी डालने के बाद इसको भी वापस से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच करीब, सिर्फ एक चम्मच सॉस। अगर आपको सॉस नहीं डालना हो तो आप उसे छोड़ दें, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें क्योंकि थोड़ा सा मिठास ज़रूरी होता है। और इस तरह से सॉस डाल दिए। सॉस डालने के बाद वापस से हम इसको मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल सकते हैं, ना वो भी छोड़ दीजिए, और हरा धनिया है तो वो डाल लीजिए, वो थोड़ा सा सब्जी को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देता है। तो उसके बाद आप इस सब्जी को बना लें, बनाने के बाद आप किसी भी चीज़ से खाएं और मुझे बताएं कि ये सब्ज़ी आपको कैसा लगा। और इसके सब्जी बनाने के बाद हम गैस को बंद कर दिए हैं और बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। आज हम बहुत ही सिंपल और साधारण सा सब्जी बनाए हैं क्योंकि मूड नहीं था कोई भी ऐसा चीज़ खाने के लिए। तो सब्जी भी बन गया है, रोटी भी बन गया है। हम सारी चीज़ों को हटाने के बाद अब हम किचन को सिंपल सब्जी बनाने की वजह से मेरे पास टाइम बहुत बचा हुआ है, तो अब हम रात को किचन का सफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दुपट्टा लिए हैं जिसको एक सग जैसा गठी, दो गठ बांध के उसे गले में लटका लिए हैं ताकि काम करते वक्त इधर उधर हाथ में मेरे दुपट्टा फंसे ना। और लाइट कलर का ड्रेस पहनने की वजह से हम दुपट्टा ले लिए हैं ना, मेरा एफ्रिन था वो थोड़ा गंदा हो गया है, उसको हम रख दिए हैं साइड में साफ़ करने के लिए। तो दुपट्टा लगा के हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी आज मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था, जैसे मेरी कोई बेटी नहीं थी साथ में काम करने के लिए, तो हम अकेले हो गए, तो इसलिए हम सबसे पहले खाना ही बना के छुट्टी हो गए हैं। खाना बनाने के बाद ही हम किचन के सफाई में लग गए हैं। तो एक साइड से लाइट भी नहीं है तो हमें बहुत झंझट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि जल्दी जल्दी हम सारा सफाई कर लें, ताकि रात को सफाई कर लेने से क्या होता है कि सुबह हम लोगों को बहुत टाइम मिल जाता है, बहुत आराम हो जाता है कि सुबह ज़्यादा कोई साफ़ सफाई नहीं करना है। तो काफ़ी, तो मेरा करीब एक हफ्ते से हम कोई डिब्बा वगैरह को कुछ भी पोछ पाछ करके साफ़ नहीं किए थे, बस खाना बना रहे थे और उठा उठा के रखते जा रहे थे। तो आज मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो इसलिए हम सोचे कि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं सिर्फ किचन में ही। तो हम एक कपड़े को गीला करके उसमें थोड़ा सा सर्फ लगा लिए हैं और एक कपड़े को सूखा करके रख लिए हैं साथ में। और जैसे हम सारा एक्स्ट्रा, जैसे शीशे का बहुत सारा बर्तन ऐसा होता है जो निकल जाता है बाहर, तो उसको भी अलमारी में रख दिए हैं। और बाकी डेली का डिब्बा जो है हम उसको ऊपर से पूरा अच्छे से साफ़ कर करके अपनी अपनी जगह पे अच्छे से सेट कर दे रहे हैं, ताकि सुबह उठ के आओ तो बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। एक सूखा सूखा सा हम झाड़ लेते हैं और उसके बाद काम शुरू कर लेते हैं सुबह के वक्त। तो चकला है, बेलन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किचन में हमेशा एक सही जगह पे ही रखना चाहिए। तो आज हम ये सारा काम ही कर ले रहे हैं। बाहर से भी कुछ सामान ला के अंदर रखना है। देख के आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि आज मेरे पास हेल्प करने के लिए मेरी कोई भी बेटी नहीं है, तो मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। ये देखिए सारा कुछ हम साफ़ कर लिए हैं। और जब तक हम सफाई कर रहे हैं तब तक कोको जो है हमारी निगरानी कर रहा है बैठ के मेरे पास कि मम्मी क्या काम कर रही हैं। ये देखिए कैसे आराम से ताक रहा है। ऐसी मेरी छोटी छोटी जर्नी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद एंड गुड नाइट, बाय।